बीकॉम फर्स्ट ईयर के प्यारे बच्चों, स्वागत है सभी का इंडियन स्वेप टीम में। मैं हूं आपका एसडीएम सर, जो आज आपको पढ़ाएंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग वित्तीय लेखांकन में मूल्यह्रास, जिसको आप लोग डिप्रिसिएशन अकाउंट भी कहते हैं। इस टॉपिक पर सभी बच्चे अपने अपने कॉलेज में आ चुके हैं, कई कॉलेज में कंप्लीट भी हो चुका है, पर समझ में कुछ भी नहीं आया है, ना आ रहा है। इसीलिए शुरू से, डिटेल से, बेसिक से आज इसको हम बनाएंगे। आज हम देखेंगे उसके क्रियात्मक प्रश्न, पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा में अपलोड कर चुका हूँ। मोटर ट्रक खाता जो उसमें बनेगा, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्लेलिस्ट में, वहाँ से जा करके उसका प्लेलिस्ट देख लो। ढूंढने से ना मिले तो कमेंट कर देना, प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। सबसे पहले सारे बच्चे अपने अपने बुक निकालो और देखो पहला क्वेश्चन क्या है। तो ये मैंने निकाला अपना, हाँ, पुस्तक मेरे पास अभी पुराना वाला है, हम उसी में देखते हैं। ओके, तो हमारे पास जो है उसमें सबसे पहले लिखा है स्थायी प्रभाव पद्धति अनुसार तीन वर्षों का यंत्र खाता तैयार कीजिए। और आपके पास इस प्रश्न में क्या क्या है वो आप देख लीजिए, ताकि सभी बच्चों को पता रहे। हमारे पास प्रश्न में है यंत्र का क्रय मूल्य, स्थापना व्यय, 5 वर्ष का जीवन काल, अनुमानित अवशिष्ट मूल्य कितना है 1400, और 3 वर्षों का खाता भी तैयार करना है। चलो डिटेल से बनाते हैं इस क्वेश्चन को शुरुआत से, क्योंकि सभी बच्चों की डिमांड है सर शुरू से इसको पढ़ाइए। तो चलो शुरू से पढ़ाते हैं। आपका काम ये है कि बढ़िया से फ्रेश एक पेज में कॉपी में इसको शुरू से नोट करो। लिखो चैप्टर का नाम मूल्यह्रास, इंग्लिश में लिखो डिप्रिसिएशन, लिखो क्रियात्मक प्रश्न पहला का हल, जिसमें सबसे पहले तो आपको कार्यविधि नोट करवाना होता है, कार्यविधि को नोट करना है। लेकिन अभी मैं 3 वर्षों का यंत्र खाते का कॉलम तैयार करता हूं। यंत्र खाता, ठीक। अब देखो ये जो चैप्टर है ये 11वीं क्लास के अकाउंट्स के लिए, बीकॉम फर्स्ट ईयर फाइनेंशियल अकाउंट के लिए, साथ ही साथ सीए में, बीबीए में, बीकॉम एलएलबी में जो बच्चे अकाउंट पढ़ रहे हैं, अगर वहाँ पर भी डिप्रिसिएशन है तो फिर ये उन सभी बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है ना, क्योंकि अलग अलग कोर्स हो सकते हैं, चैप्टर आपके वही होते हैं। अब ये हम लाइन इस तरह से खींचें, ये हमने एक दिनांक का कॉलम बनाया, ये हमने एक विवरण का कॉलम बनाया, और ये है हमारी एक छोटी सी राशि, ठीक। फिर ये दिनांक, फिर ये विवरण और ये राशि, ठीक। अब इसमें ध्यान देना बच्चों, ये हम डेट पर्टिकुलर अमाउंट ये लिखते हुए चलते हैं। अब कई बच्चों को पता होगा, कई बच्चों को नहीं पता होगा, ये है आपका हिंदी में दिनांक, ये है विवरण और ये है राशि। तो जो यंत्र खाता होता है उसी को आप मशीन अकाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मशीन अकाउंट। तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के होंगे वो प्रॉपर इसको मशीन अकाउंट लिखते हुए चलेंगे, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, है ना। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के, दोनों प्रकार के बच्चों को समझाना है, इसलिए मैं उसके हिसाब से बनाते हुए चल रहा हूँ। देखो यहाँ पर आपने मशीन को कितने में परचेस किया, उसके स्थापना में कितने व्यय किए, एक्सपेंसेस आपने कितना किया, उसका जीवन काल कितना है, उसका अवशिष्ट मूल्य कितना है, इन सभी को आपस में आपको घटाना होता है। तो रेसिडुअल वैल्यू, ठीक। देखो हमें जो इसमें ह्रास निकालना है, इसी ह्रास को आप लोग कहेंगे डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन जो निकालना है, ध्यान देना, इसमें हम क्या करते हैं, जो भी संपत्ति का क्रय मूल्य है उसमें स्थापना व्यय को जोड़ते हैं और जो अवशिष्ट मूल्य होता है उसको घटाते हैं, ठीक है। तो देखो 11,900 रुपए में परचेस किया, ठीक है, और इसको
किधर दिया है? हाँ ठीक। इस्टेब्लिशमेंट करने में इसमें 1500 रुपए के व्यय किए गए हैं, है ना। और इसका जीवन काल, लाइफ टाइम इसका दिया होगा देखो 5 ईयर का। और इसका जो अवशिष्ट मूल्य है, रेसिडुअल वैल्यू, वो है आपका 1400 रुपए, है ना। देखो यंत्र का क्रय मूल्य 11,900, स्थापना करने में व्यय हुआ है 1500 रुपए का, अवशिष्ट मूल्य है इसका 1400, लाइफ टाइम मतलब इसका जीवन काल है 5 वर्ष। तो यहाँ बटे में जीवन काल होता है वो मैंने नहीं लिखा, तो सूत्र आधा अधूरा हो जाएगा। सूत्र लिखना बटे जीवन काल, ठीक। तो जो बच्चे शुरू से देख रहे हैं, सीख रहे हैं, वो बकायदा एक पेज में पूरा कॉलम बना लें, दूसरे पेज में कार्यविधि को नोट करें कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। तो अब मैंने बताया था क्रय मूल्य है 11,900, स्थापना व्यय है 1500, अवशिष्ट मूल्य है 1400, जीवन काल है इसका 5 वर्ष का। इसमें से 100 मिला के इसको देंगे तो 100 इसमें आकर के 12,000 हो जाएगा, 12,13,400। इसमें से 1400 घटाएंगे और 5 से भाग देंगे, 400 में से 400 गया, 13 में एक जाएगा 12,000 आएगा, 12,000 को 5 से भाग देंगे, 5 × 2 = 10, 5 × 4 = 20, 0 का 0, 2400 रुपए का ह्रास निकला। इसी ह्रास को लेकर के 3 वर्षों का यंत्र खाता तैयार करना है। तो याद रहे जो कार्यविधि होगी वो ये है, वर्किंग नोट ये है, खाता इस तरह से बनेगा। अब इसमें जितने का आपने मशीन खरीदा और इसमें जो भी स्थापना में किया वो कुल लागत को यहाँ पर लिखना होता है। तो आप लिखेंगे इसको खरीदा है 2012 एक अप्रैल, आपके में सन कुछ भी हो सकता है, आप वो सन डालना, मैं 2012 एक अप्रैल लिख रहा हूँ, है ना। रोकड़ खाता से इंग्लिश मीडियम के बच्चे लिखेंगे टू कैश, ठीक है, अकाउंट कितना रुपया है। देखो मैंने बोला 11,900 रुपए में खरीदा लेकिन 1500 रुपए उसमें व्यय कर दिया, तो उसकी एक्चुअल लागत कितनी होगी, 13,400 हो गई। तो रोकड़ खाता से आपको लिखना है 13,400, ठीक। अब इसमें ह्रास निकालना है तो 1 साल के अंतराल में ह्रास लगता है, तो यहाँ 12 लिखेंगे तो यहाँ 13 लिखेंगे, 31 मार्च लिखेंगे और ह्रास खाते को लिखेंगे। कितने रुपए का ह्रास आएगा बच्चों, 2400 रुपए का, तो ये आप 2400 रुपए यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब इन दोनों को घटाना होता है, तो पहला काम जितने की मशीन खरीदा उसको रोकड़ खाते से बोल कर लिखना है, जो इसका ह्रास निकला उसको इधर ह्रास खाते को लिखना है। तो ह्रास को समाकलन करना है, संपत्ति के क्रय मूल्य को विकलन करना है, दोनों को घटाना है, घटाने से जो बचे उसको शेष लगे कहते हैं। तो शेष लगे निकालेंगे, 400 में से 400 कटा, 13,000 में 2,000 जाएगा, 11,000 आएगा, तो ये आपने 11,000 लिखा। अब बस ऐसे दोनों लाइन खींच के अब इसको जोड़ो, ये 13,400 ही होगा। सेम इसी लाइन पर यहाँ पर ऐसे आप डबल लाइन खींच के यहाँ पर लिख दो 13,400, ठीक। अब 2013 में यहाँ लिखेंगे एक अप्रैल को शेष लाया गया, कितना रुपए, 11,000 रुपए शेष लाया गया, ठीक। 2014 में 31 मार्च को फिर से आप ह्रास लिखेंगे ह्रास खाते को, और जो 2400 एक बार निकल चुका है, स्थायी किस पद्धति में ह्रास की दर नहीं बदलती, तो वही 2400 को लिखते हुए चलेंगे, ठीक। तो इस खाते में क्या करना होता है, पहला काम जितने का खरीदा रोकड़ खाते से लिखना है, जो ह्रास निकला उसको इधर ह्रास खाते को लिखना है, समाकलन साइड विकलन से समाकलन को घटाना है। तो 13,400 में 2400 गया, 11,000 आया, बैलेंस कर देना है कि उस साल का बन गया, तो दोनों जोड़ करके टोटल करते हैं वही अमाउंट आता है जो इधर है, तो इसी अमाउंट से दोनों पक्षों में बैलेंस करना है, टोटल कर देना है, जो भी शेष ले गए हैं उसको अगले साल शेष लाया गया बोलना है, फिर से उसका ह्रास काटना है, फिर दोनों को काटने के बाद आपका शेष ले गए निकलेगा वो निकालो, 11,000 में 2 गया 9,000, 9 में 400 गया 8,600, अब दोनों को जोड़ के देखो उतना ही होगा, 0 का 0, 6 × 4 = 10 की 0 हासिल है, 8 × 2 = 10 और 11,000 हो रहा है। तो एक सेम जगह पर आपको यहाँ पर भी 11,000 रुपए लिख लेना है। आगे बढ़ेंगे
तो अब हम तीसरे साल में आ जाएंगे और तीन ही साल तक बनाना है। तो 2014 लिख करके 1 अप्रैल लिखना, शेष लाया गया 8600 जो इस साल का है उसको हम उठा करके लाएंगे इस तरह से। और फिर से इसका अगले ही वर्ष में इस तरह से 31 मार्च को ह्रास लगेगा, तो ह्रास खाते को लिखना है और 2400 रुपए ही लिखना है। अब इसमें से इसको घटा दो तो हर साल क्या करना है पता चल रहा होगा, लाया गया ले गए, लाया गया ले गए, तो जो भी लाया गया है उसमें ह्रास काटते हैं, फिर जो बचा ले गए लिखते हैं और उसी को इधर लाया गया लिखते हैं। यही कंटिन्यू करना होता है जितने साल तक बोले, 5 साल तक बोले तो 5 साल तक यही काम चलते रहेगा, 3 साल तक बोले तो 3 साल तक ये काम चला। 600 में से 400 जाएगा 200 बचेगा, 8 में 2 जाएगा 6 बचेगा, बैलेंस करेंगे दोनों को तो 6 2 8000 ये जो मिला करके 600 जितना है उतना आता है, मैंने बोला है तो उतना ही आया आपका 8600। ठीक, अब ठीक 3 साल का बनते ही अगले साल का सिर्फ शेष दिखाना होता है, तो अगले साल का शेष दिखाएंगे तो यहाँ 2015 एक अप्रैल लिख करके शेष लाया गया 6200 लिख देना है। ठीक, तो ये लास्ट वाला जो आंसर होता है ये बुक में दिया जाता है, तो जब बनाओगे तो इसी लास्ट वाले शेष को देखना है ना। तो देखो 6200 ये आपको यहाँ पर मिलेगा, ह्रास कितना निकला है 2400, तो डिप्रिसिएशन बोल के 2400 जो ह्रास निकले ना इसको दिया जाता है। ये बन गया आपका पहला क्वेश्चन। इसी तरह से आप लाइन से सारे क्वेश्चन बनाते हुए आगे चलेंगे। तो चलिए अब हम बनाते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, मेरे साथ साथ बनाओगे तो अच्छी बात है, नहीं बनाओगे तो अभी इसको तुरंत नोट कर लो, मैं साइड हट जाता हूँ, पूरा का पूरा इसको देख लो। इसी तरह से आपको अपना खाता बनाना है, इंग्लिश में बनाओगे तो इंग्लिश में, अच्छा हाँ इंग्लिश में आपके बच्चों को बाकी चीजें क्या लिखना है वो बता देता हूँ। शेष लाया गया तो आप बोलेंगे टू बैलेंस डीडी, ठीक है, शेष ले गए को बोलेंगे बाय बैलेंस सीडी, ह्रास खाते को बाय डिप्रिसिएशन कहेंगे, ह्रास को क्या बोलेंगे बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। तो जहां जहां ह्रास है वहां पर आप बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट लिखेंगे, जहां जहां शेष ले गए हैं वहां पर बाय बैलेंस सीडी लिखेंगे, जहां जहां लाया गया है वहां पर टू बैलेंस बीडी लिखेंगे। तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो चाहे हिंदी मीडियम के बच्चे हो दोनों को समझ में आना है, ऐसा मैं आपको समझाता हूँ। ठीक, अब इससे सरल कोई नहीं हो सकता, ठीक है, फ्री में आपको कोई नहीं पढ़ाता सिवाय मेरे, सारे वीडियो मैंने आपके लिए अपलोड कर दिया है, बस आपको ढूंढना है और प्रैक्टिस करनी है। और हाँ एग्जाम्पल को बनाओ कम से कम जो बना बनाया है, क्योंकि ज्यादातर एग्जाम के क्वेश्चन एग्जाम्पल से आते हैं, क्रियात्मक से नहीं आता। ठीक है, तो क्रियात्मक में समय ज्यादा नष्ट ना करें, बना करके देखिए आपके प्रैक्टिस के लिए, लेकिन उदाहरण को ज्यादा बनाइए है ना अपने अपने घरों में। अगला क्वेश्चन जो है उसमें बोला है 1 अप्रैल 2013 को नायक प्रिंटर ने एक यंत्र 10,000 रुपए में खरीदा, और उसी वर्ष 1 अक्टूबर 2015 में अक्टूबर में दूसरा यंत्र 50,000 का खरीदा, 31 मार्च को 10% की दर से स्थायी प्रभाव पद्धति अनुसार ह्रास की गणना कीजिए, 2013-14 और 14-15 का यंत्र खाता तैयार कीजिए। ठीक है बच्चों, अब हम देखो अगर हम इस बार यंत्र खाता बनाते हैं मशीन अकाउंट, तो हमें क्या नहीं दिया है वो देखो, इस बार हमें स्थापना व्यय मूल्य अवशिष्ट मूल्य जीवन काल ये नहीं दिया है, अब दर दिया है, तो ये एक विशेष कंडीशन है जो अब हर बार हमें यही मिलते चलेगा है ना, यही हमें बार बार अब दिखाई देगा। सबसे पहले एक छोटा सा दिनांक का कॉलम, विवरण का कॉलम, राशि, दिनांक, विवरण और राशि। ठीक, डेट, पार्टिकुलर अमाउंट। ठीक, डेट, पार्टिकुलर अमाउंट। ठीक, देखो
अब इस बार जब हमने मशीन खरीदा है 1 लाख रुपए का, वो हमने 1 अप्रैल को खरीदा है, 1 अप्रैल को खरीदेंगे तो उस समय जो उसका ह्रास निकलेगा, वो ह्रास निकले के लिए आप लिखेंगे संपत्ति का या मशीन का क्रय मूल्य गुणित दर बटे 100। तो क्रय मूल्य है बच्चों 1 लाख रुपए, 10% की दर है, 1 जीरो से 1 जीरो काटना, 1 जीरो से 1 जीरो काटना, 10,000 जो बचा यह है मशीन वन का ह्रास। ठीक, अब मशीन टू का ह्रास लिखोगे तो वहां पर भी जो भी उसका क्रय मूल्य है उसमें गुणा करेंगे उसके दर का और बटे 100 लिखेंगे। तो उसको हमने खरीदा है 50,000 में, 50,000 का 10% होता है 5,000। ठीक है, तो ये जो निकला वो वार्षिक निकला, लेकिन अभी इसको खरीदा कब वो देखो, इसको खरीदा है 1 अक्टूबर को। जब भी किसी यंत्र को साल के बीच में खरीदते हैं, 1 अप्रैल शुरुआत वर्ष है, 31 मार्च इसका एंड होता है, तो जिसमें खाते 31 मार्च बंद के जाते हैं उस वर्ष की शुरुआत 1 अप्रैल से होती है, पता होना चाहिए। अक्टूबर में खरीदा तो अक्टूबर से मार्च तक गिनो, क्योंकि जब से खरीदा उसके अंतिम तिथि तक का उस पर ह्रास लगता है, पूरे साल भर का नहीं लगेगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और एक मार्च, 6 महीने का ह्रास लगेगा। तो जब ये निकले तो ये वार्षिक है, अब 6 माह का निकालना है तो जो वार्षिक निकला है उसमें 6/12 कर देना है। क्या करना है, 6/12, तो 6 × 6 = 12, 2 ये 2 से कटेगा ना, 2 × 2 2 × 2 = 4, 5 में 4 गए 1 बचा, 2 × 5 = 10 और 2 × 0 = 2 = 2500 निकला, कितना निकला 2500 निकला। तो देखो अभी जब हम लिखेंगे यहाँ पर 2013 1 अप्रैल टू कैश, तो एक M1 लिखेंगे एक M2 लिखेंगे, है ना, ये दोनों को अलग अलग लिखोगे। क्यों लिखोगे, क्योंकि दोनों की तारीख अलग अलग है, है ना। ये 1 लाख का खरीदा वो 1 अप्रैल को खरीदा, अब है 1 अक्टूबर, फिर से टू कैश, पचास हजार। क्या लिखोगे, रोकड़ खाते से, रोकड़ खाते से, है ना, लिखते हुए चलो। यहाँ पर 2014 में 31 मार्च को इसका ह्रास लिखोगे बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। अब यहाँ पर अलग अलग बताओ कि किसका कितना लगा। मशीन वन का आपने कितना निकाला, 10,000। मशीन टू का कितना निकाला इस वर्ष, 2500, है ना। अभी देखो साल भर का इस पे नहीं लगेगा क्योंकि ये बीच में आया, अगर ये अप्रैल से आता तो 10% जैसे उसका निकला, इसका भी 10% लिखते हैं, लेकिन ये बीच में आया है तो हमने केवल 6 महीने उपयोग किया, तो हम 6 महीने का ह्रास निकालेंगे। ये बिल्कुल इसी तरह से है, देखो अगर आपने किसी को 1,000 रुपये उधार दिया अप्रैल के महीने में, और आपने कहा कि अगर तुम इसको अभी दे देते हो 1.5 हफ्ते के अंदर तो मैं कोई भी ब्याज नहीं लूंगा, लेकिन तुम इसको अगर 1 महीने बाद लौटाओगे तो उस 1,000 के पीछे 100 रुपये ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, अब वो व्यक्ति मान लेते हैं 3 महीने बाद आपको पैसा लौटा रहा है तो वो आपको 3 महीने का ब्याज देगा, 6 महीने बाद लौटा रहे तो 6 महीने का ब्याज देगा, 1 साल बाद लौटाएगा पूरे 1 साल का ब्याज देगा। यहाँ पर समझना वही है, मशीन अगर अक्टूबर में आ रहा है तो आप अक्टूबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च करके 6 महीने का ह्रास लगाओगे या पूरा अप्रैल, मई, जून, जुलाई करके लिखोगे, भाई जब दिया तब का होगा। उसी तरह से जब हमने मशीन खरीदा अक्टूबर में, उस दिन से लेकर के मार्च तक का इनका ह्रास निकालेंगे तो वो 6 महीने का निकला 2500 उसको लिखना है, कुल मिला के हुआ 12,500। तो इस तरह से डबल मशीन होती है तो डबल ह्रास लिखा जाता है, ये नया है, पिछले से अलग है। अब यहाँ पर शेष लगे निकालना जैसे हमने पहले निकाला था। अब आप देखो टोटल घटा सकते हो, अलग अलग भी घटा सकते हो, 1 लाख में से 10,000 गए 90,000, 50 में से 2 गए 48, 48 में से 500 गए 47,500, 47,500 में आपको 90,000 को जोड़ना है तो 10 इसमें देंगे तो ये 1,37,500 हो जाएगा। तो आप यहाँ लिखेंगे 1,37,500, आप दोनों को जोड़ करके देखिए ये हो जाएगा 1,50,000। तो वही राशि यहाँ पर लिख करके हम क्लोज कर देंगे 1,50,000। ये हो गया आपका 13-14 का, और 14-15 का 1 साल को और बनेगा, है ना। ठीक,
हम 2014 लिख रहे हैं, 1 अप्रैल शेष लाया गया। अब यहाँ पर बताओ कि कौन कितने कितने का बचा है। 1 लाख में 10,000 गया बच्चों, वो बचा है 90,000 का। 50,000 में 2500 गया तो वो है 47,500 का। कुल मिलाकर के इनकी कीमत है 1,37,500। और 2015 में जब इसका ह्रास लगाएंगे तो ह्रास खाते को बोल करके हम जो लिखेंगे वो होगा मशीन वन का, मशीन टू का वार्षिक ह्रास। अब देखो अप्रैल में अगर इनको ला रहे हैं तो अप्रैल से मार्च तक पूरा 1 साल का ह्रास लगता है, इसीलिए 14 से 15 लिखा गया है। तो इस समय आप इसका पूरा वार्षिक ह्रास लिखेंगे तो 1 लाख का 10% तो आपका 10,000 होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। 50,000 का 10% क्या होगा, 5,000 होगा। और ये जो आपने निकाला था ये इसका वार्षिक ह्रास था 5,000। अब इसको लिखेंगे, उस समय इतना क्यों लिखे, क्योंकि उस समय उसका केवल अक्टूबर महीने तक का ह्रास दिखाना था जो कि ये है 2500। लेकिन अब 1 अप्रैल से मार्च तक गिनो पूरे 12 महीने होंगे तो वार्षिक ह्रास जो निकलेगा वो लिखेंगे 5,000 रुपए। ये थोड़े से चेंजेस होते हैं, याद रखना। स्थायी में ह्रास नहीं बदलती, लेकिन जिस समय आपने उसको खरीदा वर्ष के मध्य में तो उस समय उस मध्य महीने का ह्रास, बाद में फुल ह्रास वार्षिक जो निकलता है वो लिखेंगे। ये होगा आपका पूरा 15,000 रुपए शेष ले गए लिखना है। और 1,37,000 में से इसको काटना है तो 1,37,500 में से 15,000 को काटेंगे। 500 का 500, 7 में 5 गया 2, 3 में 1 गया 2, ये 1,22,500। तो ये आपस 1,37,500 होगा, ठीक। अब जितने साल का बोला था बन गया, और अगले साल का शेष दिखा देंगे 2015 का 1 अप्रैल बोल करके। शेष लाया गया 1,22,500 है, जिसमें से M1 है आपका 90 में 10 गया 80,000 का, और M2 है इसमें से 5,000 जाएगा तो 47 में 5 गया 42,545 होंगे, तो 42,500 बचा, ठीक। ये आप बता देंगे, इस तरह से आप खाते बनाएंगे, ठीक। अब कुछ प्रैक्टिस के लिए मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, उनको आप बनाना, ठीक है। तो बुक कहाँ है भैया, ठीक। चलो देखो, अब ऐसे ही आप क्वेश्चन बनाना, ध्यान देना जो मैं दे रहा हूँ। यंत्र का क्रय मूल्य है 55,000, ठीक। स्थापना व्यय है 5,000, जीवन काल है 10 वर्ष, और इसका अवशिष्ट मूल्य है 10,000, ठीक। तो 4 वर्षों का यंत्र खाता तैयार कीजिए, कितने वर्षों का, 4 वर्षों का। तो सबसे पहले ह्रास निकालो, ह्रास वैसे निकल जाए जैसे हमने पहला क्वेश्चन बनाया था, तब जाकर के फिर ये खाता बनाना। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2 और हमने क्वेश्चन नंबर 1 बना लिया, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन बनाए हैं, 2 क्वेश्चन आपके भी कॉपी में नोट होना चाहिए। जितने बच्चे इंस्टाग्राम में फॉलो किए हो क्वेश्चन बना करके भेजना भाई, ये जो मैंने भेजा है, ठीक है, तभी तो आगे के सारे वीडियो कंटिन्यू आएंगे। मैं स्टार्ट करता हूँ कोई सा भी चैप्टर बेसिक से, लेकिन आप लोग होमवर्क करते नहीं हो, फोटो खींच के भेजते नहीं हो कि हाँ मेरे से ये बना कि नहीं बना। तो जब आप लोग इंटरेस्टेड नहीं होते, इंटरेस्ट नहीं दिखाते, तो मैं भी लगातार वीडियो नहीं डालता, क्योंकि मेरे पास तो ऑप्शन है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में कुछ भी डाल दूँ तो मैं कुछ भी डालते रहता हूँ। ये आप लोग का काम है, अगर आप लोग किसी चैप्टर्स को देख करके सीख रहे हो तो प्रॉपर क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन बनाओ, उसमें जहाँ भी फंसोगे उसको पूछो। अब अभी बच्चे लोग क्या करते हैं, अब मैं व्हाट्सअप नंबर दिया हूँ भाई, मैंने ऑनलाइन क्लास शुरू किया उसके लिए, उसको मैं उसमें कुछ पूछो कि सर ऑनलाइन क्लास कैसे लें, तो यहाँ पर बच्चे तुरंत व्हाट्सअप में आते हैं, सर ये चैप्टर का पीडीएफ भेजो, उस चैप्टर का पीडीएफ भेजो, इसका नहीं बन रहा उसका भेजो। अरे भाई आप बनाओ, आपसे बनाने पर नहीं बनता, उसका फोटो खींच के भेजो कि सर मेरे से यहाँ से नहीं बन रहा है। तो मैं बताता हूँ,
ये क्या बात हुई, आपने देखा प्रैक्टिस भी नहीं किया, कुछ नहीं किया, सीधा आप पीडीएफ मांगने लगे, ऐसे थोड़ी मिलेगा। आप अगर आप पीडीएफ खरीदने के लिए मांग रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन आप फ्री में मांग रहे हैं और ऐसे ही मांग रहे हैं तो मैं ऐसे ही सबको पीडीएफ नहीं देने वाला, क्योंकि फ्री के चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं होती। आपको अपना प्रैक्टिस करना है, आप मूल्यह्रास को देख करके सीखिए, फाइनल अकाउंट को देखिए, हर एक चैप्टर जो इम्पोर्टेंट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मैंने उसी को सॉल्व करके उसका वीडियो डाला है, फालतू चैप्टर नहीं डाला है। तो जितने चैप्टर हैं इंपॉर्टेंट हैं उनके क्वेश्चन बनाओ, लगातार प्रैक्टिस करो। मैंने कहा अगर आपसे हर क्वेश्चन नहीं बनता तो आप पीडीएफ खरीद लो, मात्र 200 रुपये उसकी प्राइस है। बुक लेने जाओगे 500 से 600 में बुक मिलेगा, पीडीएफ मैंने मात्र 200 रखा जिसमें एक एक क्वेश्चन के सोल्यूशन है, मैंने मेहनत किया है उसके लिए, मैं फ्री में नहीं दे सकता। तो एक चैप्टर का लेना है 30 रुपये पड़ेगा, और अगर आप 30 रुपये नहीं 39 रुपये पड़ेगा, और अगर आप पूरे चैप्टर का लेना चाहते हैं जो IMP है 5 यूनिट तक के, तो वो आपको मिलेगा 200 रुपये में। तो अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना अगर समझ में आ गया तो, इस पर और भी वीडियो आएंगी, बस आपको होमवर्क करना है, ठीक है? तो बाय बाय, क्वेश्चन बनाना और अच्छे से एग्जाम में पास होना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, बाय बाय।